हे एवरी वन सो टुडेज ड्रग इज़ औरम मैट दैट इज़ औरम मेटेलिकम एंड ऑरम इज़ गोल्ड सो गोल्ड से बनी हुई एक दवाई है हमारी होम्योपैथी में दैट इज़ औरम मेटेलिकम गोल्ड इज एन एलिमेंट सो स्फर्स ऑफ एक्शन आर माइंड इसके पेशेंट का माइंड ये बहुत ही इरीटेबल होता है इसका पेशेंट और बहुत ज़्यादा सैड होता है और वो सुसाइड करना चाहता है उसकी इच्छा होती है डिज़ायर होता है उसका सुसाइड करने का उसके लिए लाइफ एक बर्डन बन चुकी होती है then nerves, bones, cardiovascular system, genito urinary organs and glands are the other spheres of action of aurum metallicum. Now the constitution of aurum met जो इसका हेल्दी पेशेंट होता है वो सेंग्वाइन होता है मतलब ऑप्टिमिस्टिक होता है पॉजिटिव होता है रूडी पीपल उसका फेस जो होता है वो हेल्दी होता है दिखाई देता है कि हेल्दी फेस है उसका और उसकी जो आइज़ और हेयर कलर होता है वो ब्लैक होता है बट देन द अनहेल्दी पेशेंट ऑफ ऑरम मेट इज़ ओल्ड पीपल हु आर टायर्ड ऑफ लाइफ बूढ़े लोग जो अपनी लाइफ से थक चुके हैं और वो अब जीना नहीं चाहते उनकी जो स्पिरिट होती है वो बिल्कुल लो हो चुकी होती है वो बिल्कुल लाइफलेस हो चुके हैं होते हैं लाइफलेस स्पिन बॉयज़ के लिए यानी पिनिंग मतलब अनहैप्पी जो बिल्कुल विद अ ब्रोकन हार्ट फिजिकली और मैंटली जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उनके लिए लाइफ लेस बॉयज़ के लिए भी ये मेडिसिन होती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ औरम मेटेलिकम इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोकन डाउन बाई बैड इफेक्ट्स ऑफ मरकरी एंड सिफिल्स जो ऑरम के पेशेंट का एक हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ब्रोकन डाउन होता है बाई बैड इफेक्ट्स ऑफ मरकरी एंड सिफिल्स मरकरी पॉइजनिंग की वजह से और या फिर सिफिल्स जो बीमारी है डिजीज़ है उसकी वजह से टेम्परामेंट इज़ मेलनकोलिक एंड इरीटेबल वो सैड और इरीटेटेड हो जाता है पेशेंट पेशेंट इज़ वेरी चिली उसे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है एंड इज सिफिलिस एंड डाइथिस इज क्रॉफ्युलस ऑफ ऑरम नाउ द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ ऑरम मेट सबसे पहले मेंटल जर्रल्स की बात करते हैं ऑरम मेट जो है उसका स्पेयर ऑफ एक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेयर ऑफ एक्शन माइंड है सो मेंटल जर्रल्स आर एलमेंट्स फ्रॉम फ्राइट एंगर कॉन्ट्राडिक्शंस वैक्सेशन ड्रेड और रिजर्व डिसप्लेजर सो so, औरम के पेशेंट को जो एलिमेंट्स हैं जो उसे प्रॉब्लम्स हैं जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके वो गुस्से से फ्राइट से लड़ने से कॉन्ट्राडिक्शन यानी उसे अगर कोई गलत भी कह देता है कि तुम गलत हो इस चीज़ में तो उसे उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है वरी होने से चिंता करने से दुख से और खुश ना होने से उसे इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो और उसकी सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं आने लगते हैं कॉन्स्टेंटली डवेलिंग ऑन सुसाइड यानी उसे बार बार थॉट आता है सुसाइड करने का जैसे कि नाजा के पेशेंट को भी आता है और नक्स वॉमिका के पेशेंट को भी सुसाइड करने का थॉट आता है बट नक्स वॉमिका का पेशेंट एफरेड टू डाई होता है वो उसे मरने से डर भी लगता है उसे सुसाइड का थॉट भी आता है और उसे डर भी लगता है बट औरम के और नाजा के पेशेंट को कॉन्सटेंटली थाट आता रहता है डवेलिंग ऑन सुसाइड प्रोफाउंड मेलनकोली यानी उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है उसका पेशेंट फील्स हेटफुल एंड कुरेल्सम वो बहुत ज़्यादा लड़ता झगड़ता रहता है और बहुत हेटफुल सा हो जाता है डिज़ायर टू कमिट सुसाइड वो सुसाइड करना चाहता है लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट बर्डन उसके लिए लाइफ एक बर्डन बन चुकी है वो बस जी रहा है उसके कोई इच्छा नहीं है जीने की और वो डिज़ायर होता है उसका सुसाइड करने का और जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स हैं वो आफ्टर अब्यूज़ ऑफ मरकरी से होती हैं मरकरी पॉइजनिंग से या फिर मरकरी को ज़्यादा अमाउंट में खाने से कई फूड्स में जैसे फिशेस में या कई मीट वग़ैरह में जो मरकरी का अमाउंट होता है लेवल होता है वो ज़्यादा होता है वो खाने से मरकरी पॉइजनिंग हो सकती है और उसकी वजह से ही ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं और के पेशेंट में देखे जाते हैं जो कि अनईजी होता है इसका पेशेंट हरिड होता है उसे बहुत जल्दी रहती है हर काम को लेके वो ग्रेट डिज़ायर होता है उसे मेंटल और फिज़िकल वर्क करने का बट वो जल्दी वर्क नहीं कर पाता फास्टली वो वर्क नहीं कर पाता वो बहुत ही ओवर सेंसिटिव होता है लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन एक्साइट्स रॉथ टू पेन जो लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन होती है लीस्ट मतलब कम से कम जो कोई चीज़ उसके अगेंस्ट जाती है चाहे वो स्मेल हो टेस्ट हियरिंग टच कुछ भी हो उससे उसे, उसे गुस्सा आने लगता है दैट इज़ रॉथ और फिर उसे पेन होने लगता है और उसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं नेक्स्ट सिम्टम इज़ सिफ़िलिटिक या मर्क्यूरियल अफेक्शंस की वजह से जो बोन्स पे असर पड़ता है उसमें औरम दी जा सकती है हेमीओपिया यानी पेशेंट को सिर्फ हाफ आई से दिखाई दे रहा है दैट इज़ सीज़ ओनली द लोअर हाफ लोअर हाफ ऑफ़ द आई से सिर्फ पेशेंट को दिखाई दे रहा है तो उसमें औरम दे सकते हैं नाउ नेक्स्ट सिम्टम इज़ दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरीज कैरीज यानी सड़ जाना डिस्ट्रॉय हो जाना या डी हो जाना ऑफ नेज़ल पेलेटाइन नेज़ल पेलेटाइन का या फिर मेस्टॉइड बोन्स का डिके हो जाना ओजीना का मतलब भी होता है कि नेज़ल जो रिज़ेस हैं उनका डिके होना या डिस्ट्रक्शन होना और जो म्यूकस मेम्ब्रेंस ऑफ नेज़ल हैं उनका भी डिके होना वेस्ट हो जाना उनका देन ओटरिया ओटरिया यानी ड्रेनेज ऑफ लिक्विड फ्रॉम ईयर ईयर में से लिक्विड का निकलना उसमें भी हम औरम का यूज़ कर सकते हैं मिस्टॉइड बोन्स नेजल बोन्स का खराब होना डिस्ट्रक्शन होना या डिके हो नेजल की जो म्यूकस मेम्बर हैं उनका वेस्ट अवे होना उनका भी डिके होना ओट्रिया होना यानी डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्रॉम ईयर होना जो कि इन्फेक्शन की, की वजह से या ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है उस सब में इन सबको कैरीज़ कहते हैं और इन सब में हम औरम का यूज़ कर सकते हैं इट इज़ अ वेरी गुड रेमिडी फॉर दीज थिंग्स जो डिस्चार्ज होता है ओट्रिया में वो एक्सेसिव फैटेड होता है यानी बहुत ही गंदी स्मेल का होता है और उसका जो इनके जो पेंस होते हैं वो वर्स एट नाइट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं नाइट में डिज़ायर टू डिसपेयर जो पर्सन होता है वो सारी होप्स खो चुका होता है वो बिल्कुल ही होपलेस हो जाता है और ये सब जो होते हैं मर्क्यूरियल या सिफिलिटिक औरिजन की वजह से होते हैं या हो सकते हैं प्रोलेब्ड एंड इनड्यूरेटेड यूट्रस में भी जो कि ओवर रीचिंग या स्ट्रेनिंग की वजह से हो सकता है या हाइपरट्रॉफ़ी की वजह से भी हो सकता है उसमें भी हम औरम का यूज़ कर सकते हैं नाउ द कार्डियोवेस्कुलर सिम्टम्स ऑफ औरम फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट अगर फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट हो रहा है तो उसमें औरम इज़ अ गुड मेडिसिन और अगर हार्ट में एक ऐसी सेंसेशन होती है दैट हार्ट हैज़ टू स्टिल हार्ट बिल्कुल रुक गया है एज था इट कीज टू बीट जैसे कि वो अब बीट होगा ही नहीं एंड देन सडनली गे वन हार्ट थम्प और वो अचानक से बहुत तेज बीट करता है एक बहुत तेज बीट देता है वायलेंट पल्पिटेशंस हार्ट बीट का बहुत तेज होना या पल्स का बहुत तेज होना एंगजाइटी विद कंजेशन ऑफ ब्लड टू हेड एंड चेस्ट आफ्टर एक्जर्शन बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद मेंटल या फिजिकल एंग्जाइटी हो जाना और कंजेशन ऑफ ब्लड फील होना हेड और चेस्ट में विजिबल बीटिंग ऑफ कैरोटेड एंड टेम्पोरल आर्टरीज़ इतनी तेज़ बीट कर रही होती हैं कैरोटेड और टेम्पोरल आर्टरीज़ की वो देखी जा सकती हैं इन सभी कार्डियोवेस्कुलर सिम्टम्स के लिए ऑरम मेट इज़ द मेडिसिन नाउ द मोडेलिटीज ऑफ ऑरम मेट एग्रेवेशन होता है इसके पेशेंट को कोल्ड एयर से वैन गेटिंग कोल्ड क्योंकि इसका पेशेंट बहुत ही चिली होता है वेरी चिली पेशेंट सो उसे कोल्ड एयर से और कोल्ड गेटिंग कोल्ड से उसे एग्रेवेशन होता है लाइंग डाउन मेंटल एग्जर्शन से एंड देर आर मैनी कम्पलेंट्स जो सिर्फ विंटर में आती हैं एमिल्योरेशन उसे आराम मिलता है वॉम एयर से वैन ग्रोइंग वाम वाम होने से मॉर्निंग में एंड ड्यूरिंग समर